सिटिंग रूम के अंदाज में सजे हुए एक कमरे में कैप्टन शकील खावर के साथ बैठा हुआ था। इन दोनों की नजरें दरवाजे की तरफ लगी हुई थीं। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और लंगड़ा मेरठ बिसाखी के जोर पर चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो वो दोनों उठ खड़े हुए। तशरीफ रखें जनाब, मेरठ ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर वो भी उनके साथ ही एक सोफे पर बैठ गया। बिसाखी उसने एक साइड पर रख दी थी। अब आप खोलकर बताएं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, मेरठ ने कैप्टन शकील और खावर की तरफ देखते हुए कहा। मिस्टर मेरठ, आपका तजस्सुस बजाल, लेकिन इतनी बात तो आप भी जानते होंगे कि ये सब कुछ बताया नहीं जा सकता, कैप्टन शकील ने जवाब दिया तो मेरठ ने एक तवील सांस लिया। इसका मतलब है कि आप बहरहाल एक्रेमियन नहीं हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस आदमी की टिप लेकर आए हैं उस टिप की वजह से मैं इखलाकी तौर पर उसका पाबंद हूं कि जहां तक हो सके आपकी मदद करूं। लेकिन साफ और वाज़े बात यह है कि जजीरा माकू में दाखिले का कोई रास्ता नहीं। उसके गिर्द समुंदर की तह से लेकर आसमान तक ऐसे साइंसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं कि इंसान तो इंसान, कोई परिंदा भी वहां नहीं जा सकता, मेरठ ने कहा। इस जजीरे पर इंसान रहते हैं और इंसानों को बहरहाल खुराक और दीगर अशिया की ज़रूरत लाहक रहती है, इसलिए इस जजीरे पर सप्लाई का कोई ना कोई इंतज़ाम बहरहाल होगा, कैप्टन शकील ने कहा। जी हाँ, लेकिन ये सप्लाई एक जजीरा कवाजा पर पहुँचती है। कवाजा से माकू के दरमियान समुंदर में एक ख़ास टनल कायम की गई है। सप्लाई उस टनल के जरिए की जाती है, लेकिन कवाजा पर एक्रेमियन फौजियों का कब्जा है और वहाँ भी किसी सूरत कोई अजनबी नहीं जा सकता। जहाँ तक वहाँ सप्लाई का ताल्लुक है तो उसके लिए भी एक ख़ास तरीका इस्तेमाल किया जाता है। सप्लाई से भरा हुआ छोटा जहाज जजीरा कवाजा से 2 बैरी मील दूर समुंदर में लंगर अंदाज हो जाता है और फिर काशन दे दिया जाता है। उसके बाद इस जहाज में मौजूद तमाम लोग मोटर बोटों के जरिए बाहर चले जाते हैं। ये मोटर बोटें करीबी एक छोटे टापू में जाकर रुकती हैं। उसके बाद खसूसी सेंसी रेज की मदद से इस जहाज को कवाजा जजीरे से चेक किया जाता है। जब उनकी तसल्ली हो जाती है कि जहाज पर कोई इंसान मौजूद नहीं है और सप्लाई में कोई खतरनाक या खिलाफ मामूल चीज़ मौजूद नहीं है, तो फिर चंद फौजी खसूसी हेलीकॉप्टर पर सवार होकर इस जहाज पर उतरते हैं और इस जहाज को जजीरे पर ले जाते हैं। वहाँ सप्लाई उतार दी जाती है और जहाज को वापस उसी जगह ले आया जाता है और उसके बाद हेलीकॉप्टर वापस चला जाता है और फिर जजीरा नुमा टापू पर मौजूद जहाज के अमले को वापसी का खसूसी काशन दिया जाता है तो वो लोग जहाज पर जाते हैं और उसे वापस ले जाते हैं। और ये सप्लाई महीने में एक बार जाती है और इस सारे मामूल पर इंतहाई सख्ती से अमल किया जाता है, मेरठ ने तफसील बताते हुए कहा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कवाजा जजीरे पर जाने की बजाय बराह रास्त उस टनल में दाखिल हो जाएं, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, इस टनल में बाहर से किसी सूरत भी दाखिला नहीं हुआ जा सकता। दूसरी बात यह कि इस टनल के अंदर भी इंतहाई जदीद तरीन हिफाजती इंतजाम मौजूद हैं, मेरठ ने जवाब दिया। आपको इस सारी तफसील का कैसे इल्म है, कैप्टन शकील ने पूछा। मैं इस स्मगलिंग के पेशे में आने से पहले जजीरा कवाजा में काम करता रहा हूं। मैं वहां सिक्योरिटी असिस्टेंट था, फिर एक हादसे की वजह से मेरी टांग कट गई और मुझे वहां से जवाब मिल गया तो मैंने ये पेशा इख्तियार कर लिया। मुझे नौकरी से निकले हुए 4 साल हो गए हैं, मेरठ ने जवाब दिया। माकू में जो लोग होंगे वो बहरहाल छुट्टियाँ मनाने तो वहाँ से क्रेमिया जाते रहते होंगे, इसका क्या इंतज़ाम है, कैप्टन शकील ने कहा तो मेरठ बेख्तियार मुस्करा दिया। आप वाकई बेहद ज़हीन आदमी हैं, लेकिन माकू जजीरे का अपना निज़ाम है। वो लोग कवाजा कभी नहीं आए, इसलिए किसी को भी नहीं मालूम कि ये लोग वहाँ से कैसे जाते हैं और किस जरिए से जाते हैं, मेरठ ने जवाब दिया। कवाजा जजीरे पर कितने फौजी हैं, कैप्टन शकील ने पूछा। तकरीबन 1000 के करीब फौजी हैं, वहाँ बाकायदा छावनी बनी हुई है, मेरठ ने कहा। उसके गिर तो कोई हिफाजती इंतजाम नहीं है, कैप्टन शकील ने पूछा। उसके गिर तो कोई इंतजाम नहीं है, लेकिन इस फौजी छावनी में बाकायदा चेकिंग की जदीद तरीन आलात नसब हैं और बाकायदा एक बड़ा ऑपरेशन रूम है जहां से इस जजीरे के गिर्द इलाके को बाकायदा चेक किया जाता रहता है और कोई मछली भी उनकी नज़रों से ओझल नहीं हो सकती, मेरठ ने जवाब दिया। आपका मतलब है कि आप इस सिलसिले में हमारी कोई मदद नहीं कर सकते, कैप्टन शकील ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूं, लेकिन जो सही सूरत हाल है वो मैंने आपको बता दी है। अब आप बताएं कि मैं क्या मदद कर सकता हूं, मेरठ ने जवाब दिया।
आप कवाजा जजीरे पर रहे हैं, आपके जाहिर है वहाँ किसी न किसी से तल्लुकात होंगे, क्या उन तल्लुकात को किसी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? कैप्टन शकील ने कहा, आपको मालूम नहीं है कि कवाजा जजीरे पर मौजूद तमाम लोग सिर्फ एक साल के लिए आते हैं, एक साल बाद पूरी नफरी बदल जाती है और ये ट्रांसफ़र हर साल के पहले महीने में होती है, और इस लिहाज से अभी यहाँ मौजूद नफरी के ट्रांसफ़र में 8वां बाकी रहते हैं और मेरा इस वक्त उनमें से किसी से कोई रब्ता नहीं है, मैरिड ने जवाब दिया। जिस टापू का आपने जिक्र किया है वो तो चेकिंग रेंज में नहीं होगा, कैप्टन शकील ने कहा। जी हाँ, वो रेंज में नहीं है, लेकिन वहाँ पहुँच कर भी आप क्या करेंगे? वहाँ तक तो मैं आपको आसानी से पहुँचा सकता हूँ, मैरिड ने कहा। आप स्मगलिंग करते हैं, ये स्मगलिंग किन इलाकों में होती है? कैप्टन शकील ने पूछा। बाचान के सहली इलाकों में, मैरिड ने जवाब दिया। क्या आपके जहाज नवाजी जजीरे के करीब से नहीं गुजरते? कैप्टन शकील ने कहा। जहाज नहीं बल्कि छोटे स्टैमरों पर माल ले आया और ले जाया जाता है, और ये बहरहाल कवाजा और माकू से काफी फासले से गुजरते हैं, मैरिड ने जवाब दिया। ओके, फिर आपसे मजीद बातचीत का कोई फायदा नहीं है, हम कोई और रास्ता तलाश करेंगे, कैप्टन शकील ने कहा और उठ खड़ा हुआ। बैठिए एक मिनट, बैठिए, मैरिड ने कहा तो कैप्टन शकील बैठ गया। अगर मैं आपको माकू तो नहीं अलबत्ता कवाजा जजीरे तक पहुंचने की एक टिप दे दूं तो आप मुझे क्या देंगे? मैरिड ने कहा। पहले आप उसकी वजाहत करें, उसके बाद ही फैसला हो सकता है, कैप्टन शकील ने कहा। बाचान में एक ग्रुप है जिसे जांगू का ग्रुप कहा जाता है, जांगू इस ग्रुप का सरबराह है, ये ग्रुप कवाजा जजीरे पर इंतहाई खुफिया तरीके से औरतें भिजवाता रहता है, ये औरतें एक स्टेमर पर वहाँ भिजवाई जाती हैं और फिर ये स्टेमर वापस चला जाता है, एक माह बाद ये स्टेमर नई औरतों को लेकर वहाँ जाता है और पहले से मौजूद औरतों को वापस ले जाता है, ये चांगू का खास धंधा है और चांगू मेरा बेहतरीन दोस्त है, अगर मैं चाहूँ तो चांगू आपको इस स्टेमर के जरिए कवाजा पहुँचा सकता है, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि उसके लिए आपको कितनी रकम खर्च करनी पड़ेगी, मैरिट ने कहा। क्या कवाजा में मौजूद फौजी इतनी रकम चांगू को दे सकते हैं कि वो इस तरह स्टेमर भर कर हर माह नई औरतें वहाँ ले जाए? वो तो जाहिर है तनख्वाहदार लोग होंगे, कैप्टन शकील ने पूछा। आपने दुरुस्त सोचा है, मैं एक बार फिर आपकी जहानत की दाद दिए बगैर नहीं रह सकता, असल बात यह है कि चांगू उनसे रकम नहीं लेता, कवाजे जजीरे पर कुदरती तौर पर एक खास किस्म की झाड़ी पाई जाती है जिसका सुर्ख रंग का छोटा सा फल है, ये फल वहाँ कसीर तादाद में मिलता है, ये फल कैंसर की अद्वियात में इस्तेमाल होता है और इस फल की बाचानी कंपनियाँ बेहद ग्रां कदर कीमत देती हैं, वो समझते हैं कि चांगू ये फल फरोख्त करने के लिए हासिल करता है, उसे डाट कहते हैं, मैरिड ने जवाब देते हुए कहा। एग्रेमियंस को इसके बारे में इलम नहीं है, कैप्टन शकील ने कहा, मेरे ख्याल में उन्हें मालूम नहीं है, वरना ला महाला एग्रेमिया खुद इस फल को हासिल करता, मैरिड ने जवाब दिया। क्या आप यहाँ से चांगू से रब्ता कर सकते हैं कि वो हमें वहाँ पहुँचाने की जिम्मेदारी लेता है और कितना मुआवजा लेगा, और वो इस बात पर रजामंद हो जाता है तो फिर मुआवजे की बात हो सकती है, कैप्टन शकील ने कहा। वो दौलत का पुजारी है जनाब, आप उससे जो चाहें काम ले सकते हैं, बहरहाल मैं बात कर लेता हूँ, मैरिड ने कहा और उसने जेब से एक कार्डलेस फोन पीस निकाला और उसे ऑन करके उस पर मौजूद बटन प्रेस करने लगा। इस पर लाउडर का बटन मौजूद है, वो भी प्रेस कर दें ताकि हम भी आप दोनों की गुफ्तगू सुन सकें, कैप्टन शकील ने कहा, तो मैरिड ने इस्पात में सर हिला दिया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देने लग गई थी, इसलिए कैप्टन शकील समझ गया कि मैरिड ने लाउडर का बटन ऑन कर दिया है। फिर रिसीवर उठाए जाने की आवाज़ सुनाई दी, चांगू क्लब, एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी, लहजा बचानी ही था। मैरिड बोल रहा हूँ, नवाजी से चांगू से बात कराओ, मैरिड ने कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, चांगू बोल रहा हूँ, चंद लम्हों बाद एक बारी सी आवाज़ सुनाई दी, उसका लहजा भी बचानी था। मैरिड बोल रहा हूँ चांगू, मैरिड ने कहा। हाँ बोलो, क्या कोई ख़ास बात है? चांगू ने कहा। तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास, मुआवजा तुम्हारी मर्जी का मिल सकता है, मैरिड ने कहा। ओह अच्छा, क्या काम है, जल्दी बताओ, दूसरी तरफ से कहा गया। हॉस्टल पर एक ग्रुप को पहुंचाना है खुफिया तौर पर, मैरिड ने कहा। क्या क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। मुमकिन तो है, तुम्हारा स्टेमर बहरहाल हॉस्टल जाता रहता है, मैरिड ने कहा।
हाँ जाता तो रहता है, लेकिन अगर उन्हें मालूम हो गया कि ये काम मैंने किया है तो तुम जानते हो कि मेरा कितना नुकसान होगा, चांगू ने जवाब दिया। उन्हें कैसे मालूम हो सकेगा, वो तो उस वक्त ऑपरेशन रूम को ऑफ कर देते हैं ताकि तुम्हारे स्टेमर की फिल्म एक्रेमिया तक ना पहुंच सके, मैरिट ने कहा। कितने आदमियों का ग्रुप है, चांगू ने चांद लम्हे खामोश रहने के बाद कहा। तो मैरिट ने कैप्टन शकील की तरफ देखा। 5, कैप्टन शकील ने कहा। 5 अफराद हैं, मैरिट ने जवाब दिया। 10 लाख डॉलर दे सकते हो तो मैं रिस्क ले लेता हूँ, लेकिन मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि उनके साथ वहाँ क्या होता है और क्या नहीं, चांगू ने कहा। तो मैरिट ने एक बार फिर कैप्टन शकील की तरफ देखा और कैप्टन शकील ने असबात में सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन काम फुल प्रूफ होना चाहिए, मैरिट ने कहा। हो जाएगा, आस्टर पर उनके पहुंचाने का जिम्मा मेरा होगा और बस मुआवजा पेश की होगा, चांगू ने कहा। कब तक ये काम हो सकेगा, मैरिट ने पूछा। इत्तेफाक से कल स्टेमर वहां जा रहा है, चांगू ने कहा। तो फिर तुम ऐसा करना कि स्टेमर को टापू पर रोक लेना, मेरे आदमी वहां से सवार हो जाएंगे और मुआवजा भी वहीं मिल जाएगा। बोलो किस वक्त वहां पहुंचोगे, मैरिट ने कहा। कल दोपहर 12 बजे, चांगू ने जवाब दिया। ओके फिर तय हो गया, मैरिट ने कहा। ओके डन, चांगू ने कहा और मैरिट ने गुड बाय कहकर फोन ऑफ कर दिया। वो हमें वहां किस तरह पहुंचाएगा, कैप्टन शकील ने पूछा। स्टेमर वहां 4 घंटों के लिए रुकता है ताकि नई औरतें जजीरे पर जा सकें और साबका औरतें और फल स्टेमर पर लादा जा सके। इस दौरान ऑपरेशन रूम ऑफ रहता है, आपको स्टेमर के निचले हिस्से से बाहर निकाल दिया जाएगा। आप गोताखोरी के लिबास साथ रख लें और खामोशी से जजीरे के शुमाली हिस्से से अंदर दाखिल हो जाएं। फिर इन 4 घंटों में आप जो कुछ करना चाहें कर लें, क्योंकि स्टेमर की वापसी के साथ ही ऑपरेशन रूम ऑन हो जाएगा और उसके बाद आप एक लम्हे में ना सिर्फ चेक कर लिए जाएंगे बल्कि आपको पलक झपकने में गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। वहां मौजूद हर आदमी के बारे में कंप्यूटर में फीडिंग मौजूद होती है, इसलिए सिवाय औरतों के कोई मर्द वहां छुपा नहीं रह सकता, मैरिट ने जवाब दिया। अब आप बताएं कि आप क्या मुआवजा लेंगे, कैप्टन शकील ने कहा। सिर्फ 1 लाख डॉलर, मैरिट ने जवाब दिया। आप हमें इस टापू पर कैसे पहुंचाएंगे, कैप्टन शकील ने कहा। अपने एक खसूसी स्टेमर के जरिए मैं आपके साथ जाऊंगा और आपको चांगू के हवाले करके और उसे मुआवजा अदा करके फिर मैं वापस आ जाऊंगा, मैरिट ने कहा। तो हमें कहां पहुंचना होगा, कैप्टन शकील ने पूछा। आप सुबह 6 बजे जजीरे के जनूबी साहिल पर वाकया एक होटल आस्कर पर पहुंच जाएं। आप काउंटर पर पहुंचकर काउंटरमैन से मेरा नाम लेंगे तो आपको मुझ तक पहुंचा दिया जाएगा, मैरिट ने कहा। ठीक है, आपका मुआवजा और चांगू का मुआवजा हम आपको होटल आस्कर पर इकट्ठा ही दे देंगे, कैप्टन शकील ने कहा। कोई बात नहीं, मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है, इसलिए कि आप जिस ट्रिप पर आए हैं मुझे उस पर भी मुकम्मल एतमाद है, मैरिट ने कहा। तो कैप्टन शकील खबर के साथ उससे मुसाफिया करके कमरे में बाहर आ गया। चंद लम्हों बाद वो बाहर मौजूद अपने दीगर साथियों के पास पहुंच गए और फिर वो सब एक होटल के हाल में कोने की मेज पर जाकर बैठ गए। लेकिन इतना भारी मुआवजा कैसे अदा किया जाएगा, चौहान ने हैरान होते हुए कहा। मुझे मालूम है कि खावर इलेक्ट्रिक गेम मशीनरी के जरिए इससे 10 गुना ज्यादा दौलत हासिल कर सकता है। हमने कुएं की मट्टी कुएं में ही लगानी है और ना सिर्फ 11 लाख डॉलर गेमों से कमाकर उन्हें देने हैं बल्कि हमने ज़रूरी इंतजाम और असला के लिए भी रकम हासिल करनी है और यहाँ जजीरा नवाजी पर उसके वसी मौाक़े मौजूद हैं, कैप्टन शकील ने जवाब दिया। रकम की तुम फिक्र ना करो, ये मेरे लिए मामूली बात है, सिर्फ 1 घंटे में ये पूरी हो जाएगी। असल मसला ये है कि वहाँ जाकर हमने क्या करना है। इस सिलसिले में हमें मुकम्मल और फुल प्रूफ प्लानिंग बनानी होगी क्योंकि वहाँ 1000 तरबियत याफ्ता फौजी हैं और उसके साथ लामहाला 200-250 औरतें होंगी। इतनी बड़ी तादाद का ना कत्ले आम किया जा सकता है और ना उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, खावर ने कहा। हमने फौरी तौर पर वहाँ बेहोश कर देने वाली गैस इस तरह फायर करनी है कि वहाँ मौजूद तमाम अफराद बेहोश हो जाएं। उसके बाद हमने उस ऑपरेशन रूम का कंट्रोल हासिल कर लेना है और फिर उस टनल का जायजा लेकर हमने माकू जजीरे पर पहुंचने की कोशिश करनी है, लेकिन ये सब कुछ वहां जाकर हालात के मुताबिक होगा। यहां बैठकर सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा, कैप्टन शकील ने कहा और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। कैप्टन, क्या तुम्हें यकीन है कि चांगू या ये मैरिट हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं करेंगे, सदीकी ने कहा। इनकी तरफ से साजिश का खतरा मौजूद है, इसलिए हम बहरहाल अपने तौर पर चौंकना रहेंगे। वैसे तो जो लोग दौलत के पुजारी हैं उन्हें सिर्फ दौलत से गरज होती है, इसलिए ज़्यादा अमकान तो नहीं है कि ये लोग कोई ख़ास किस्म की साजिश करें, लेकिन इसके बावजूद हमें अलर्ट रहना होगा।
कैप्टन शकील ने कहा और सबने इस्बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।